हेलो स्टूडेंट, दिस इज संतोष कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम क्लास 8 चैप्टर 2 विच इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी। इन दिस चैप्टर टुडे आवर टॉपिक इज कंपनी रूल एक्सपैंड्स। Here, company means East India Company. It means, in this topic, we will discuss about how to East India Company expands rules in our country. East India Company from 1757 to 1857, it is used a variety of political, economic and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. After the Battle of Buxar 1764, the company appointed residents in Indian states. Dear students, right now, one question arises: who were residents? Residents means they were political or commercial agents of East India Company. Then, what is work of residents? They begin interfering in the internal affairs of Indian states, like who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative posts. And इसी तरह के इंटरफेयर का एग्जाम्पल है सब्सिडरी अलायंस। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूरल्स वेयर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। देन अगेन क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस? This concept given by the Lord Richard Wellesley, who was Governor General of Bengal from 1798 to 1805. According to this rule, Indian rulers had to keep company's army for protection and make their payments, otherwise part of their territory was taken away as penalty. It means Indian ruler को allow नहीं था कि वो अपने army रखे, वे forcefully company के ही army को रखते थे और इस army को पेमेंट भी करना होता था, जो कि वेरी हाई अमाउंट होता था, जिससे मेनी रूलर्स पेड नहीं कर पाते थे। एंड दिस इज द काउज ऑफ देयर टेरिटोरी वाज टेकन अवे एज अ पेनाल्टी और फाइन। इन example, in 1801, the Nawab of Awadh and ruler of Hyderabad gave over half of his territory to the company. Okay, our next topic is Tipu Sultan
द टाइगर ऑफ मैसूर. इन दिस टॉपिक फर्स्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ मैसूर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. लुक हियर, इंडिया के साउथ में एक प्रोविंस हुआ करता था जिसका नाम था मैसूर, जो आज के डेट में कर्नाटका स्टेट है. एंड दिस रीजन रूल्ड बाय हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान. दिस रीजन हैव कोस्ट विच नेम मालाबार कोस्ट, विच नेम इज मालाबार कोस्ट. थ्रू दिस मालाबार कोस्ट ब्रिटिशर्स ट्रेड वर्क करते थे. विच टाइप ऑफ ट्रेड वर्क? कंपनी परचेस्ड पीपर, सैंडलवुड एंड कार्डम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द किंगडम. देन आफ्टर इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पीपर एंड कार्डम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी. टीपू सुल्तान ऑल्सो इस्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विथ द फ्रेंच. फोर वॉर्स वेयर फाउट विथ मैसूर. नंबर वन 1767 to 1769. फर्स्ट एंग्लो वर्सेस मैसूर वॉर. एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स. सेकेंड वॉर इज 1780 to 1784, एंग्लो वर्सेस मैसूर वॉर. नेक्स्ट वन इज 1790 to 1792, थर्ड एंग्लो वॉर वर्सेस मैसूर वॉर. एंड लास्ट वन इज 1799, फोर्थ एंग्लो वॉर वर्सेस मैसूर वॉर. लास्ट वॉर ऑल्सो नोन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम एंड कंपनी अल्टीमेटली विन a victory. So dear students, next video we will discuss war with the Marathas.